नमस्कार, मैं निर्भय कुमार और आप देख रहे हैं फॉर्मल टॉक्स। द मिशन झाझा एक प्रोग्राम आयोजित की है जहां पे 10th और 12th के बच्चों को सम्मानित किया जाएगा और मुख्य अतिथि के रूप में राजीव कुमार उर्फ गुड्डू यादव जी आए हैं जो कि एक समाज सेवी हैं। तो सर, यहां के बच्चों को आप मोटिवेट करने के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो सारे बच्चों को मेरा प्यार और शुभेच्छा, और मैं ये कामना करूँगा कि आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो, आप लोगों के साथ साथ जो झाझा का भविष्य भी उज्जवल हो। आप लोग जो है इस देश के कर्णधार हैं, देश के भविष्य हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है झाझा का नाम रोशन करें और पूरे देश में के मानचित्र में झाझा के बच्चे विद्यार्थी कामयाबी का परचम फैलाएं, यही मेरी शुभकामना है और आपके कोचिंग संस्थान के लिए। आज हमारे साथ 10th टॉपर सौरभ कुमार जुड़ चुके हैं जो कि 465 नंबर इस बार 10th के एग्जाम में लाए। तो सौरभ, आप इस बार 10th में 465 नंबर लाए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो सौरभ, 465 नंबर हासिल करने में एक टीचर की क्या भूमिका होती है? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका टीचर की होती है, हमें गाइड करते हैं किस तरह पढ़ना है, नोट्स देते हैं, मतलब सारा क्रेडिट सर को ही जाता है पढ़ाई में। तो सौरभ, एक आप लाए, ठीक है, सभी बच्चे का सपना होता है कि हम भी अच्छा नंबर लाए, तो कैसे तैयारी करनी चाहिए आप बताएं सबको, थोड़ा एक्सप्लेन करके बढ़िया से बताएं ताकि बच्चे लोग समझें। पहले तो एक बेस्ट कोचिंग और सर की ज़रूरत होती है, मतलब इधर उधर ना भटके सर के पास आएँ। उसके बाद नोट्स रेगुलर बनाएँ, सर के द्वारा लिए गए टेस्ट रेगुलर दें, बस यही सब सही है, बाकी बात तो सर है। वैसे आपका पढ़ने का रूटीन क्या था? मेरा पढ़ने का रूटीन सिंपल था, जब टाइम मिलता था पढ़ते रहते, मतलब 450+ लाना था, दिमाग में था टारगेट। हाँ, तो मतलब एक बच्चे को 465 नंबर लाने के लिए कम से कम घर में कितना घंटा पढ़ना चाहिए? कम से कम 6-5 घंटे पढ़ना ही चाहिए, उससे कम में तो नहीं चलेगा, लेकिन हम मेरा कुछ ज़्यादा ही था। कितना घंटा था आपका? लगभग एग्ज़ाम के टाइम जो एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा था, लास्ट 3 मंथ में तो 10 आवर चला जाता था। सौरभ, बहुत सारे बच्चे इस बार फेल कर गए, आपको बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे फेल कर गए, तो कुछ बच्चे क्या होता है कि अब फेल कर गए तो हम जाएंगे कमाने के लिए, ठीक है, खासकर ये 12th के बच्चे बहुत करते हैं कि हम फेल कर गए हम जाएंगे कमाने के लिए, तो वो पढ़ाई ना छोड़े। आपको पता है ये डिग्री कोई काम का नहीं है, मेन है कि आपके अंदर स्किल है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जो बच्चे इस बार 10th में कम नंबर लाए, 12th में कम नंबर लाए, उनको आप क्या बताएंगे? नहीं, जिसका 10th में कम नंबर आया उसका मेन बात यह, उसका 10th का सिलेबस कमज़ोर होगा, लेकिन आगे के हम स्किल रहना चाहिए तो बस आगे ध्यान देना चाहिए अपने लाइफ में। हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि हम बड़ा होकर आप ये बनेंगे, आपका एम क्या है? मेरा तो जेई क्लियर करना है, 12th में साइंस लिया, उसके बाद इंजीनियरिंग पे ध्यान देंगे। आज हमारे साथ द मिशन के डायरेक्टर बाबा सर जुड़ चुके हैं। सर, आपका बच्चा इतना कुछ किया है, इतना अच्छा नंबर लाया, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, जब कोई भी बच्चा अच्छा करता है तो निश्चित है कि अच्छा लगता है, इसलिए मेरे यहाँ से प्रत्येक साल बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, और इस साल भी 465 मार्क्स मेरे यहाँ से सौरभ कुमार क्लास 10 में लाया, जो कि हमारे दिल में बेहद खुशी है, और उसी के सम्मान में आज सभी बच्चे जुड़े हुए हैं, हम जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ जो झाझा के समाज से भी राजीव भैया हैं वो भी आए थे, और आज जब झाझा के गणमान्य लोग हमारे यहाँ हमारे बच्चे को सम्मानित करने के लिए पहुँचे तो दिल में बहुत बेहद खुशी हुआ कि आज हमको भी लग रहा है कि झाझा में हम एक अच्छा रिजल्ट दे पाए, और अच्छा पढ़ाई के प्रति मेरा जो था उनके हिस्से वो पूरा हो रहा है।